हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स, हूँ आप नेक्स्ट करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 दाई थर्ड सम। स्टेटमेंट है इन फिगर 6.18, बुक से फिगर 6.18 है। गिवन कि आप जो भी गिवन है उन्होंने ध्यान दे समझना है पहले, जिमें आप पहले दो सम भी कर चुके हैं कि गिवन की आप एल एम पैरलर है कि सी बी दे, एल एम जी लाइन है वो पैरलर कि है सी बी दे पैरलर है, यानी बी सी दे पैरलर है, तो एल एन जी लाइन है एल एन पैरलर कि है सी डी दे पैरलर है। ठीक है, तो प्रूव आपने की करना, ए एम अपॉन ए बी इक्वल कि होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी। बेटा जो भी सानू कुछ भी लाइनस पैरलर गिवन दे दी, आप जिमें पहले दो सम्स के कर चुके हैं कि असी थेल्स थ्योरम ही यूज़ करांगे, बिकॉज सानू थेल्स थ्योरम की कहती है कि अगर कोई भी ट्रीएंगल है साढ़े को एक साइड के पैरलर अगर कोई भी लाइन उन्होंने इन दो डिफरेंट पॉइंट से इंटरसैक्ट कर दी, एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वो जिहड़े भी पॉइंट्स से इस लाइन इंटरसैक्ट करते हैं, लाइक जिदा डी ते ई ते इंटरसैक्ट करते हैं, तो इन्हां दी जिहड़ी रेशो आ वो की होगी हमेशा सेम, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल किदे होगा ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, सो इसी थ्योरम नूं आपां इत्थे की करांगे यूज़ करांगे। सो सब तो पहले आपां ने लिख लेना जिहड़ी जिहड़ी चीज़ आपां नूं गिवन है। गिवन की है आपां नूं कि एल एम जिहड़ा आ वो पैरलर आ किहदे सी बी दे, राइट। तो दूसरी चीज़ आपां की गिवन है एंड होर की गिवन है कि जिहड़ी एल एन आ वो पैरलर आ किहदे सी डी दे। ठीक है बेटा, हुण उन्नी चीज़ ते ही फोकस करना जिहड़ी चीज़ आपां नूं गिवन आ, एल एम पैरलर आ किहदे बी सी दे, यानी कि असी सिर्फ इन्नी ट्रीएंगल ते फोकस करांगे, सिर्फ इन्नी वल देखना। ए ट्रीएंगल इहदे पैरलर ए साइड ड्रॉ की गई है, लाइन ड्रॉ की गई, तो आपां किहड़ी थ्योरम अप्लाई करांगे, थेल्स थ्योरम। सो उस तो पहले आप लिख लो कि प्रूव की करना है, गिवन तो ये चीज़ है टू प्रूव, प्रूव की करना आपने ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू किदे होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी। ठीक है बेटा, सो फस्ट ऑफ ऑल असं यूज करते हैं बिकॉज एल एम जिहड़ा आ वो पैरलर आ किहदे सी बी दे, सो आप किहड़ी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग थेल्स थ्यूरम लिख लो बेटा, चाहे तो चाहे तुसी लिख लो बाय यूजिंग 6.1 थ्यूरम, जिमें भी थोनों ठीक लगे, बाय यूजिंग थेल्स थ्यूरम। फोकस सिर्फ उत्ते ही मैं बार बार बोलांगी, एल एम पैरलर आ बी सी दे, सो इनू फोकस करो ए पैरलर है, दैट मीनस इहदी रेशो की होगी इक्वल होगी, यानी कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम एम बी इक्वल किहदे होगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ये साडी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, हुण दूसरी चीज़ आपां नूं की गिवन आ, बिकॉज एल एन भी जिहड़ा आ वो पैरलर आ किहदे सी डी दे, एल एन किहदे पैरलर आ सी डी दे, तो हुण आपां इस ट्रीएंगल ते फोकस करांगे, राइट बेटा। ए ट्रीएंगल की कह रही है आपां नूं, ए पैरलर लाइन, दैट मीनस ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ए एन ओवर एन डी इक्वल किहदे आऊगा ए एल ओवर एल सी। ठीक है बेटा, हुण जरा दोनों नंबर्स नूं ध्यान दे नाल देखो, दोनों दी राइट साइड ते वैल्यू की आ रही आ, सेम आ। अगर ये दोनों इक्वल ने तो बाय डिफॉल्ट उन्हां दी लैफ्ट हैंड साइड दी वैल्यू भी की होगी सेम होगी, सो बाय यूजिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम अपॉन एम बी इक्वल किहदे आऊगा ए एन अपॉन एन डी, बिकॉज ये दोनों चीज़ा की ने सेम ने, अगर ये दोनों सेम ने तो बाय डिफॉल्ट ये भी की होंगे सेम होंगे। बेटा हम देखो, बट प्रूव असी की करना, ए एम अपॉन ए बी प्रूफ करना अपने, अपने को आ रहा ए एम अपॉन एम बी, तो इधर भी ए एन अपॉन ए डी प्रूफ करना, अपने को आ रहा ए एन अपॉन एन डी, सो इनू प्रूव करन दे लई आप एक स्टेप करांगे, सब तो पहले इहदा की कर दो रेसीप्रोकल। ठीक है, जो असी इहदा रेसीप्रोकल करांगे ए आजूगा साढ़े को एम बी अपॉन ए एम, राइट, इक्वल इधर की आजूगा अपने को एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, प्रूव करन दे लई स्टेप ने दोनों दे विच की कर दो ऐड कर दो, बाय एडिंग 1 इन बोथ साइड, जो आप दोनों साइड्स से 1 1 ऐड कर देंगे एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू की आ गया एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, प्लस 1 ने तो एलसीएम लवेंगे सॉल्व करेंगे तो की आजूगा ए एम एम बी प्लस की आ गया ए एम इक्वल टू इसे तरह ही इधर ए एन एन डी प्लस की आजूगा ए एन, राइट। हुण देखो जिहड़ी लाइन अपनी बी एम प्लस एम ए, यानी कि कह लो ए एम प्लस एम बी, ये मिलकर किहड़ी लाइन बनती पई है पूरी ए बी बन रही है, सो दैट मीनस आप इत्थे एम बी प्लस ए एम की जगह पर की लिख सकते हैं ए बी लाइन लिख सकते हैं, सो यदि जगह पर की लिख दिए ए बी ओवर ए एम, इस तरह ही इत्थे एन डी प्लस ए एन। हुण देखो एन डी
ਤੇ ਏ ਐਨ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਏ ਡੀ। ਸੋ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਏ ਡੀ ਅਪੋਨ ਏ ਐਨ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਪਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਏ ਐਮ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਏ ਐਮ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਏ ਬੀ ਨੀਚੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰੀਓ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਐਮ ਅਪੋਨ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਏ ਐਨ ਅਪੋਨ ਏ ਡੀ। ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪਰੂਵਡ। ਹੈਂਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਪਰੂਵਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।